हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम बनाएंगे पनीर लबाबदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल में। पनीर लबाबदार के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले लिया, वो गैस के ऊपर ओवन पे बिठा के मैंने सबसे पहले एक कप पानी डाल दूंगी उसमें। फिर इसके साथ मैं दो चॉप्ड टोमेटो मैं डालूंगी। अगर छोटा साइज हो तो आप तीन डालना, मेरा थोड़ा सा बड़ा साइज था इसीलिए मैंने दो डाला। उसके साथ मैं गार्लिक ऐड करूंगी, मैंने 10 लिया इसी साइज का। अगर आपका बड़ा हो तो, बड़े साइज हो तो थोड़ा कम लेना। इसके साथ मैं ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया, इसको मैं काट के छोटा छोटा पीस करके इसमें डाल दूंगी। देखिए ये अदरक का छोटा छोटा मैंने पीस कर लिया, इसको मैं डाल दूंगी। फिर इसके साथ मैं दो छोटा इलायची, 5 क्लोव मैं डाल रही हूँ, और इसके साथ मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून। 3 काजू लिया और 1 टेबलस्पून मैंने वाटरमेलन सीड्स लिया, ये भी मैं डाल दूंगी। इसको मैं 10 मिनट तक बॉईल होने देंगे, 10 मिनट तक इसको बॉईल करूंगी मैं इसको। 3 मिनट्स हो गया है, देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गया है, ये सॉफ्ट हो गया है। अभी मैं गैस बंद करके इसको ठंडा करूंगी और इसको ब्लेंड कर लूंगी। देखिए टोमेटो का जो प्यूरी था वो मैंने ये ग्राइंड करके ऐसा पेस्ट मैंने बना लिया। अभी कढ़ाई पे मैं थोड़ा बटर डालूंगी, उसके साथ 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करूंगी। फिर ये तेज पत्ता डेली मैं काट के ऐसे करके दे दिया। वन टीस्पून मैं कसूरी मेथी ऐड करूंगी। और 2 हरी मिर्च। जब इसका खुशबू आ जाए तब मैं एक बीग साइज का ऑनियन चॉप करके, बिल्कुल फाइनली चॉप करके मैं डाल रही हूँ। ये जब ब्राउन कलर हो जाए तब बाकी मसाला मैं ऐड करूँगी। देखिए ये ब्राउन कलर हो गया है ऑनियन, अभी इसमें बाकी सारा इंग्रेडिएंट्स मैं डालूंगी। वन फोर्थ टीस्पून मैं ये टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून ये जीरा पाउडर,
फिर इसको मिक्स करूंगी और 1 teaspoon मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा मैं हल्का सा पानी डालूंगी। इससे पहले वीडियो में भी मैंने बोला था पानी नहीं ऐड करेंगे तो ये मसाला जल जाता है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया मैंने। अभी इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये ऑयल रिलीज ना हो। साथ साथ मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ, एज पर टेस्ट आप लोग ऐड करना इसको। देखिए ये हो गया है, ऑयल रिलीज हो गया है, ये चारों तरफ से दिख रहा है। अभी इसमें मैं जो टोमेटो का प्यूरी बनाई थी ये ऐड करूंगी। मैं इसको धो के मिक्सी में, अभी भी बहुत मेरा लगा हुआ है इसमें, इसको मैं थोड़ा पानी देके धो के फिर ऐड कर देती हूँ। देखिए ये मैं ऐड कर रही हूँ धो के। क्योंकि इससे ग्रेवी बनेगा। अभी मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम में ढक के 10 मिनट्स तक मैं इसको पकाऊंगी, जब तक ये थिक ना हो जाए। फ्रेंड्स देखिए ये 10 मिनट्स ओवर हो गया है। ये देख आप देख ही पाओगे चारों तरफ से ये ऑयल भी दिख रहा है, ऑयल छोड़ दिया है। अभी मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। मैं इससे पहले भी मैं बोली थी, हर वीडियो पे भी मैं बोलती हूँ, अगर कोई आप ग्रेवी बना रहे हो, मिक्सी यूज कर रहे हो, वो धो के बिल्कुल वो वाला पानी आप डालना, इससे और भी ज्यादा टेस्टी बनता है। ये देखिए ये वाला पानी मैं ऐड कर रही हूँ। एज पर ग्रेवी आप लोग पानी ऐड करना। इसको थोड़ा मैं बॉईल होने दूंगी और थोड़ा सा पानी लगेगा मुझे लग रहा है, और थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। ये अच्छे से जब बॉईल हो जाए फिर इसमें मैं पनीर ऐड करूंगी। देखिए ये बॉईल हो रहा है। अब देख ही पाओगे अच्छे से बॉईल हो गया है ये। अभी मैं पनीर ऐड कर दूंगी। 250 ग्राम पनीर मैं लिया था, छोटा छोटा क्यूब करके मैंने डाल दिया। और इसके साथ मैं थोड़ा सा पनीर मैं ग्रेट करके रखी थी, वो पनीर मैं डालूंगी। ये देखिए ये पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी और थोड़ा सा बचा के रखूंगी गार्निशिंग के लिए। ये देखिए अभी मिक्स करूंगी मैं, फिर इसको फिर से लो फ्लेम में ढक के 5 मिनट्स तक मैं इसको पकाऊंगी। देखिए 5 मिनट्स हो गया है, अभी मैं चेक करती हूँ। हाँ ये हो गया है। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ये।
अभी इसमें मैं फ्रेश क्रीम ऐड करूंगी। गैस बंद कर दूंगी और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। फिर मिक्स करके 2 मिनट तक मैं इसको, गैस बंद करने के बाद 2 मिनट तक इसको ढक के रख दूंगी। देखिए 2 मिनट्स हो गया है, आप लोग भी देखिए कैसा हुआ है। मुझे तो बहुत अच्छा ही लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। अभी मैं इसको सर्व करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आवर पनीर लबाबदार इज रेडी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना कैसा लगा है आप लोगों को, और सब्सक्राइब भी जरूर करना प्लीज फ्रेंड्स। Thank you.